राहतगढ़ नगर परिषद का साधारण सम्मेलन नगर परिषद अध्यक्ष प्रियंका गोलूराय की अध्यक्षता में नगर परिषद सभाकक्ष में संपन्न हुआ। सम्मेलन में उपाध्यक्ष सहित सभी वार्डों के पार्षद सीएमओ अधिकारी मौजूद रहे। सम्मेलन में राहतगढ़ नगर के विकास कार्य के 44 प्रस्ताव रखे गए, जिसमें वाटरफॉल से लघेरा धाम तक सड़क निर्माण, वाटरफॉल पर बच्चों को खेलकूद मैदान में झूले फिसल पट्टी लगाने की स्वीकृति, जेसीबी वाहन क्रय करने की स्वीकृति, प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत शेष रह गए हितग्राहियों का सर्वे कराकर हितग्राहियों को आवास योजना का लाभ दिलाने व विभिन्न वार्डों में सड़क निर्माण व पार्कों के सौंदर्यीकरण के अनेक प्रस्ताव को सम्मेलन में सर्वसहमति से स्वीकृत किया गया। इसके साथ ही 44वें बिंदु, जिसमें नगर परिषद अध्यक्ष और सीएमओ अधिकारी के लिए वाहन क्रय करने का प्रस्ताव रखा गया, जिस पर स्वीकृति नहीं बन पाई, बाकी 43 प्रस्ताव सर्वसहमति से पारित किए गए। नगर परिषद अध्यक्ष प्रियंका राय ने बताया कि सभी 43 प्रस्ताव सर्वसहमति से स्वीकृत किए गए हैं। अगले सम्मेलन में जो प्रस्ताव रह गए हैं उन पर चर्चा कर सर्वसहमति से निर्णय किया जाएगा। वहीं नेता प्रतिपक्ष ने प्रस्तावित कुछ बिंदुओं पर असहमति जताई और पार्षदों के साथ अध्यक्ष प्रियंका गोलूराय को एक आवेदन सौंपा, जिस पर अध्यक्ष प्रियंका राय ने कहा कि नगर परिषद में विकास कार्यों की रूपरेखा प्रस्तावित हुई है, पार्षदों के आवेदन पर विचार विमर्श कर जनता के हित में निर्णय लिया जाएगा। सबको सबकी सहमति से सब सही रहा है, 44 बिंदु थे जिसमें से बस एक रह गया, बाकी सबकी अनुमति से सहमति से सब कुछ पास हो गया है। आगे कैसा क्या रहेगा, आगे अगली बैठक पे अपन बैठ के विचार करेंगे। सब बढ़िया रहा और सारी मीडिया भी उपस्थित थी और शुरू से और आखिरी तक सारे विषयों को जो है पढ़ के सुनाया गया, सहमति असहमति ली गई, जिसमें 44 के सामने परिषद की बैठक में रखे हुए थे तो एक जो 44वां वाला है अभी उसको जो है स्वीकृत नहीं किया गया, उसमें मुख्य नगर पालिका अधिकारी एवं जो है ना अध्यक्ष महोदया को वाहन क्रय करने वाला वैसे था, उसको अस्वीकृत करके बाकी सभी पे सहमति बन गई।